सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कीमे की कचौरियां बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब हम आपको बताते हैं किसके लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम आटा गूंदने का तरीका सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिलिंग किस तरह करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम फ्राई किस तरह करेंगे। इसके लिए मैंने ये 1/2 किलो मैदा लिया है, 1 चम्मच नमक, 4 चम्मच पिघला हुआ घी हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ हम ये नीम गर्म पानी लेंगे। आपने जब भी आटा गूंदना है इस बात का ख्याल रखना है कि जो पानी हो वो नीम गर्म हो। चलिए अब हम आटा गूंदेंगे। सबसे पहले हम मैदे में ये नमक शामिल कर देंगे, सारा मिक्स करें अच्छे से। अब वही नीम गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह घर का आटा गूंदते हैं सेम उसी तरीके से। आटा गूंद कर तैयार हो गया है, अब मैं इसे डाम कर रख दूंगी 20 मिनट के लिए। अब इस स्टेप में मैं आपको लई बनाने का तरीका बताऊंगी। लई बनाने के लिए हमें 2 चीजें रिक्वायर हैं, एक मैदा और दूसरा घी। इन 2 चीजों से अब हम लई रेडी करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल इस मैदे को लेना है और इस घी में शामिल कर दें। पहले हम थोड़ा सा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पतली लेवी सी हमने बनानी है, ये देखें इस तरह आपने पतला सा मिक्सचर लई तैयार कर लेनी है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आटे की तरफ चलते हैं। ये आटे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। आफ्टर 20 मिनट हमने क्या करना है, इस आटे को बाहर निकालना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, मैंने काउंटर अच्छे से साफ किया, आपने भी इसको अच्छे से साफ कर लिया। इसको अब हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे हाथ से। ये देखिए इस तरह फैलाने के बाद अब हम इसको ऐसे इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे, और अब इस आटे के मैं पेड़े बना लूंगा। पेड़ा आपने अपनी साइज का ले लेना। ये मैंने कचौरियों के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं। अगर आपको बड़े साइज की बनानी तो बड़ा पेड़ा बना लें, मैंने नॉर्मल साइज का पेड़ा रखा है। अब हम इसको बेलेंगे। कीमे वाली कचौरियों की फिलिंग के लिए मैंने चिकन को बॉईल करके इस तरह मैश कर लिया। आप चाहें तो इसका कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो सा मीट पसंद हो, बीफ या मटन, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बबाद अदरक लहसुन की पेस्ट का 1 चम्मच, फाइन चॉप मैंने प्याज लिए हैं, ब्रीक हम इसको कटिंग कर लेंगे हरी मिर्च की, गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक हसबे जरूरत मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, पीसा हुआ सूखा धनिया मैंने 1 चम्मच, और इसी तरह मैंने अनारदाना को थोड़ा सा पीस लिया है और ये भी 1 चम्मच। चलिए अब इन तमाम चीजों को हम मिक्स करते हैं और फिलिंग को कंप्लीट करते हैं।
ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और प्याज को डालकर ये सॉटे कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे थोड़ा सा। हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च पीसा हुआ, सूखा धनिया, नमक, गरम मसाला और अनारदाना डालकर भुनेंगे। अब हम एक मिनट भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे और अब इसको एक से दो मिनट हम भून लेंगे, फिर हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई सब मिर्च ऐड करूंगी। अब हमारी ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ें। अब ये फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करें। अब इसी तरह मैं बाकी सारी तैयार कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, इसके लिए मैंने कढ़ाई जो है वो फुल भर ली है क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है, लेकिन पकाने का इसका तरीका भी सेम है। इसको हम हल्की आंच पर लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर इसको डालूंगी। ये देखें व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी कि ये अपने साइज से डबल हो गई है या फूल गई है, इसीलिए हमने इसको डीप फ्राई किया था। मैंने ना फ्लेम लो किया हुआ है और अब इसके ऊपर कलर आने लगा है, तो हम हल्का से इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे, साइज साथ साथ इसकी चेंज करते जाएं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम कचौरियों को डिश आउट कर ली है और आप इसको देख सकते हैं कि ये फुल पकी हुई है और इसका इस कदर खूबसूरत कलर आया हुआ है गोल्डन। इसी तरह आपने बनानी है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको हमारी ये डिश कैसे लगी। इसको जब भी सर्व करते हैं साथ ये वाले चनों के साथ सर्व करते हैं। आप इसके साथ मजीद अगर ऐड करना चाहें तो हलवे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसे घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।